बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बॉटनी 302 में डिस्कस करेंगे फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी बेसिकली है क्या? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। कि स्टेम के ऊपर लीव्स की जो अरेंजमेंट है, जो उनकी तरतीब है, उसे हम कहते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी जो है वो जो अरेंजमेंट है यानी कि लीव्स की, वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। पहले नंबर पर हमारे पास है आल्टरनेट। अल्टरनेट में यह है कि वन आ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड अल्टरनेटली इज नोन एज अल्टरनेट। यानी कि हर नोड से एक लीफ, नेक्स्ट नोड से फिर लीफ, नेक्स्ट नोड से फिर लीफ, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेट जो है वो फिलोटैक्सिस। इसमें एग्जांपल आ जाती है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की, जो चाइना गुलाब है उसकी। दूसरे नंबर पर हमारे पास है ओपोजिट। When two leaves are present at each node opposite to one another, कि जब दो leaves जो हैं जो एक node पे present हुई दूसरे की opposite, तो उसे हम कहते हैं कि opposite फिलोटैक्सिस हैं। opposite फिलोटैक्सिस दो तरह की होती है, opposite decussate और opposite superposed। opposite decussate जो है उसमें क्या है कि if the pair of leaves at any one node is at right angle on the अबव एंड बिलो द नोड इज़ नोन एज ओपोजिट डेकोजिट। इसमें आता है ऑसिमम नियाज़बो की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो उसमें ओपोजिट और डेकोजिट होती है। फिर हमारे पास है ओपोजिट सुपरपोज। ओपोजिट सुपरपोज क्या है कि द ओपोजिट लीव्स एट एनी वन नोड आर पैरेलल टू लीव्स एट नोड अबव एंड बिलो इज नोन एज ओपोजिट सुपरपोज। गावा की एग्जाम्पल अमरूद की अगर हम देखें तो उसमें जो है वो इस तरह से मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड नंबर पे फिलोटैक्सिस होल्ड फिलोटैक्सिस है, घेराव की फॉर्म में है। व्हेन मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड एट सर्कल एट वन सर्कल इज नोन एज होल्ड। इसमें एलोस्ट्रोनिया की एग्जांपल आ जाती है, जो कि हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा जो है वो लगे हुए हैं। डेवल ट्री भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है लीफ विनेशन। लीफ विनेशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं लीफ विनेशन। और वास्कुलर बंडल इनके जो लेमिना के लीव्स है इसे विनेशन कहते हैं। दो तरह के इसके अंदर विनेशन होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन जो है वो क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ विनेशन में वेन्स अबाउट इक्वल साइज रन पैरेलल टू ईच अदर एट द बेस ऑफ एपेक्स ऑफ लेमिना। कि इसमें वेन्स जो हैं इक्वल साइज की होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल मौजूद होती हैं। इसमें यह है कि विनेशन के अंदर ये आप देख सकते हैं मोनोकोट्स, ग्रासिस, सीरियल्स, अनियन, बनाना, ये सारे जो हैं इनके अंदर पैरेलल विनेशन होती है। पैरेलल विनेशन दो तरह की है, यूनिकोस्टेट है और मल्टीकोस्टेट है। अगर सिंगल मीटर है वो लेमिना में तो ये विनेशन है यूनिकोस्टेट होगी। मल्टीकोस्टेट में ये होगा कि इफ़ द मीटर इज आर प्रेजेंट एट द लेमिना, अगर मीटर प्रेजेंट है वन मीटर प्रेजेंट है लेमिना में, तो इस विनेशन को हम मल्टीकोस्टेट कहते हैं। मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट क्या है कि द प्रिंसिपल वेन्स रन मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट भी होती है। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट यह है कि वेन जो है टूवर्ड्स मार्जिन ऑफ लीफ जो है वो मूव करती है, उसे हम कहते हैं मल्टीकोस्टेट। हमारे पास आ जाती है रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन यह है कि इन दिस टाइप ऑफ विनेशन देयर मे बी वन आर मोर मिडरब, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मिडरब होती हैं और इसी नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं, ऐसे हम कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। इसमें जो है वो आगे यूनिकोस्टेट भी हो सकती है, भी मल्टीकोस्टेट हो सकती है। यूनिकोस्टेट जो है वो है जिनके अंदर एक मिडल लेमिना सिंगल प्रेजेंट है। मल्टीकोस्टेट यह है कि जिसके अंदर मोर देन वन मिडरब प्रेजेंट है। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट यह है कि इसमें लीफ अराइज करता है लीव्स के बेस से। और मल्टीकोस्टेट यह है कि इसमें प्रिंसिपल लीव्स अराइज एट द बेस ऑफ लीव्स एंड कन्वर्जेंट टुवर्ड द एपिक्स, जिसके अंदर एपिक्स की तरफ जो है ये मूव कर जाता है। उसके बाद काइंड ऑफ लीफ है सिंपल लीफ। आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो काइंड ऑफ लीफ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।